हेलो फ्रेंड्स, आईटीआई कंपटीशन के लिए यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर मतलब मल्टी मतलब एक से ज़्यादा फंक्शन को परफॉर्म करता है, इसलिए इसका नाम है मल्टीमीटर। आइए हम सबसे पहले इसके भागों के बारे में परिचय करा दें आपका। ये ऊपरी सिरा जो है, ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले है। जो भी हम क्वांटिटी मेजर करेंगे वहाँ हम डिजिटली रूप में यहाँ देख सकते हैं। ये इंडिकेटिंग लैम्प है। ये ट्रांजिस्टर की टेस्ट टर्मिनल को टेस्ट करने के लिए बनाए गए हैं। ये है सिलेक्टर स्विच, जिसे हम जिस क्वांटिटी या जिस चीज़ को मेजर करना होगा, वोल्टेज करंट या रेजिस्टेंस को, वहाँ पे इस प्रोब को कर देंगे। ये वाली एक, ये दोनों चीज़ें हैं करंट मेजर करने के लिए। 20 एम्पियर तक करंट मेजर करने के लिए है ये, 20 मिली एम्पियर तक करंट मेजर करने के लिए। ये कॉमन पॉइंट है, इससे हम वोल्टेज या रेजिस्टेंस को मेजर करना हो तो यहाँ पे लगाएंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए हमें सिर्फ वोल्टेज मेजर करना है तो हम यहाँ पे लगाएंगे एक प्रोब को और दूसरा प्रोब कॉमन पॉइंट पे, ठीक है। उससे हम वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखिए, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ये जो एफ लिखा है ये फैरेड है, कैपेसिटर की यूनिट है। अगर हमें कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर का मेजर करना है तो सेलेक्टर स्विच को हम इस पे ले जाएंगे। अगर मान लीजिए हमें 2 माइक्रोफेरेड का मेजर करना है तो हम 2 माइक्रोफेरेड पे ले जाएंगे। उसके बाद हम इसको सेलेक्ट करेंगे। ऐसे ही करके अगर हमें करंट मेजर करना है तो हम, ये डीसी करंट का इंडिकेशन है, डीसी करंट के लिए बना हुआ है सिंबल, यानी कि हम 20 मिली एम्पियर से 20 एम्पियर तक का डीसी करंट मेजर कर सकते हैं। ये एसी करंट का सिंबल है, यानी 200 मिली एम्पियर से लेके, सॉरी 20 मिली एम्पियर से लेके हम 20 एम्पियर तक का करंट मेजर कर सकते हैं। ये वाला जो सफ़ेद वाला दिख रहा है, ये एसी वोल्टेज का सिंबल है, यानी 200 मिली वोल्ट से लेके 750 वोल्ट तक का हम करंट मेजर कर सकते हैं। ये डीसी वोल्टेज को शो कर रहा है, 20 मिली वोल्ट से लेके 1000 वोल्ट तक का डीसी हम मेजर कर सकते हैं इसे। ये इलेक्ट्रिकल हजार्ड का सिंबल है। ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का हम लोग रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। 200 मेगा ओम से लेके 200 ओम तक का रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला जो दिया हुआ है आपको, एक ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट टेस्ट, या आप कह सकते हैं कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए भी हम यूज करते हैं उसे, कि अगर कोई फ्यूज उड़ गया है या कोई शॉर्ट सर्किट है तो इसकी कंटिन्यूटी मिल रही है कि नहीं मिल रही, ये हम यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं। अब ये जैसे कि अब मैंने अभी बता दिया सब क्या 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 है। और अगर इसमें हमको मान लीजिए एम्पियर मेजर करना है 20 मिली एम्पियर, तो 20 मिली एम्पियर मेजर करने के लिए कॉमन पॉइंट तो फिक्स रहेगा। इस चीज़ को हम यहाँ पे लगाएंगे, उसके बाद हम करंट को मेजर कर लेंगे। इनकेस अगर हमें 20 एम्पियर करंट मेजर करना हुआ तो इस प्रोब को निकाल के हम यहाँ पर यूज कर लेंगे इसमें। उसके बाद हम जिसका करंट मेजर करना है उसके टर्मिनल के क्रॉस दोनों प्रोब को लगा के यहाँ से डायरेक्ट करंट को रीड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर कुछ और डाउट्स या क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।